आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें सेफ्टी बहुत ही ध्यान रखना होता है, चाहे कोई भी काम करते हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, सेफ्टी फर्स्ट। आपने सुना होगा बहुत जगह साइन बोर्ड भी लगा हुआ रहता है सेफ्टी फर्स्ट। ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है सेफ्टी फर्स्ट? क्योंकि अगर कोई भी आप काम करेंगे, अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, और आप खुद सेफ नहीं रखेंगे और आपके साथ जो लोग हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, तो फिर काम करने का क्या फ़ायदा है? अगर कल्पना कीजिए, आप आज काम करते हैं और आप सेफ नहीं रहेंगे, आप सेफ्टी से काम नहीं करेंगे, तो फिर कल जो है वो कौन काम करेगा? आप तो रहेंगे नहीं सेफ काम करने के लिए, इसलिए सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस US इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों से सीख रहे हैं ट्रेवर के बारे में, ट्यूब के बारे में, इम्पल्स के बारे में, एयरलाइन के बारे में। अभी बहुत सारे वीडियो हैं जो ट्रे के बारे में, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन के बारे में है। अभी जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो ट्रेवर्क सपोर्ट के बारे में है, ट्रे इंस्टॉलेशन के बारे में है, ट्रे में 90 कैसे बनाते हैं उसके बारे में है। अभी हम लोग आज बात करेंगे जो हॉट वर्क होता है। हॉट वर्क कई तरह का होता है, लाइट हॉट वर्क होता है, हेवी हॉट वर्क होता है। तो अभी हम लोग हेवी हॉट वर्क के बारे में जानेंगे। वो जो हेवी हॉट वर्क होता है उसमें ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग, ये तीन आता है। तो अगर आप वेल्डिंग करते हैं, हेवी हॉट वर्क में आता है वेल्डिंग, तो उस समय कुछ सावधानियाँ बरतनी होती है। अगर वो सावधानी बरतेंगे तो आसानी से बिल्डिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो बिल्डिंग का जो वर्क होता है उसके साथ में बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ काम करते हैं। जैसे अगर जहाँ बिल्डिंग का वर्क होता है उसको फिट करने के लिए फिटर होता है जो फिटिंग करवाता है, और वेल्डर वेल्डिंग करता है, तो उस स्थिति में आपके साथ कई बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कई आदमी होते हैं। उन सबको सेफ रखना, सेफ्टी से काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो सबसे पहले उस प्लांट के बारे में प्लांट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया जाता है। उससे भी पहले लेवल वन का ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां सेफ्टी होता है वहां पे सेफ्टी इंडक्शन उसको बोलते हैं। तो कई लेवल पर सेफ्टी दिया जाता है, सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप जो काम करेंगे वो काफ़ी सेफ्टी से और सावधानी से काम करके जिस तरह घर आए हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए, उस तरह घर जाएंगे पैसा कमा करके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग का ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कि मुझे ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है, और उसके चलते अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करेंगे तो वो तो जो मशीनरी टूल्स है, जो मशीनरी है, वो मशीन के बारे में बताया गया है कि मशीन इज़ अ गुड सर्वेंट बट इट क्रूएल। मशीन जो है वो बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, बहुत ही अच्छा नौकर है, लेकिन वो निर्दयी है। अगर ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो अगर उसको सावधानी से नहीं चलाएंगे, अगर कोई मेटल कटिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपका उंगली पड़ जाए, हाथ पड़ जाए या कोई भी चीज़ पड़ जाए, तो वो भी काट देगा। वो नहीं समझेगा कि आप ग्राइंडिंग मशीन चलाने वाला का उंगली है या हाथ है। वो बहुत ही अच्छा से काम करेगा, इतना हार्ड मेटल को कटिंग कर देता है ना ग्राइंडिंग मशीन, वहाँ कुछ भी चीज़ पड़ेगा तो कटिंग कर देगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये मुझे चला रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक निर्जीव पदार्थ है ना। इसीलिए किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ही सेफ्टी से काम को करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सेफ्टी के बारे में सबको मालूम होता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही के कारण थोड़ा परेशानी हो जाती है। अच्छा, जो कोई भी अगर आप काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम भी किए होंगे, बहुत तरह का एक्सीडेंट भी देखा होगा, मैंने भी बहुत सारा एक्सीडेंट देखा है। उस समय लोग डर जाते हैं और लोगों को लगता है कि अब बहुत ही सेफ्टी से काम करना चाहिए, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, और जिसके कारण कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसलिए कभी भी काम करेंगे तो बहुत ही सावधानी से काम करना है, सेफ्टी से काम करना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो वेल्डिंग वर्क होता है उसमें कौन कौन से पीपी यूज होते हैं। उसके लिए वेल्डर का तो जो नॉर्मल पीपी है वो तो चाहिए ही, जैसे शूज, IFR सूट, हेलमेट, गूगल्स, ये सभी चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जब बिल्डिंग वर्क करेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स है, जैसे लेदर हैंड ग्लोव, उसका एक अलग से एप्रोन आता है, उसको एप्रोन बोलते हैं, वो कॉटन का होता है, लेदर का होता है, कॉटन का नहीं, सॉरी, वो लेदर का होता है, क्योंकि जब बिल्डिंग के स्पार्क आएंगे उसके ऊपर गिरेंगे तो वो जल्दी जलेगा नहीं, उसके लिए लेदर का एप्रोन बना होता है बिल्डिंग करने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए, और उसको पहन करके काम करते हैं। एक फेस शील्ड आता है, फेस शील्ड पहन करके बिल्डिंग किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो अल्ट्रावायलेट रे जाता है वो आँखों को नुकसान ना पहुँचाए, स्किन को नुकसान ना पहुँचाए,
इसीलिए तो सेफ्टी फर्स्ट बोला जाता है, क्योंकि बिल्डिंग ही करने से मतलब नहीं है, बिल्डिंग करने के साथ साथ आपकी जो आँख है, आपका जो फेस है, चेहरा है, स्किन है, आपके जो हार्ट है जो बिल्डिंग के धुआं से नुकसान पहुंचाता है फेफड़े को, वो सब कुछ सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे और सही से काम करे। क्योंकि काम करने के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट बताया जाता है। उसके बाद और भी सब कुछ है, जो काम करते हैं काम भी होना चाहिए लेकिन सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। मैंने शुरू में जब मैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया तो बहुत जगह देखा था सेफ्टी फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है। बाद में समझ में आया कि अच्छा सेफ्टी फर्स्ट का मतलब इसलिए है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप कोई काम करते हैं, आप काम कर लिए लेकिन आपको कोई क्षति हो गई, तो फिर वो काम करने से क्या फ़ायदा हुआ। चाहे आपके साथ कोई आदमी है, कोई आपका जो टूल्स है, आपने काम किया और टूल्स डैमेज हो गया, आपने काम किया आपके साथ रहने वाले हैं उनको कोई नुकसान हो गया, तो फिर काम करने से कुछ फ़ायदा तो नहीं है। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट का मतलब इसलिए होता है कि सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि आज काम कर रहे हैं, फिर कल भी काम करना है, फिर आगे नेक्स्ट भी काम करना है, उसके लिए आपको खुद को सेफ रहना है, तब तो फिर आगे आगे काम कर पाएंगे। नहीं तो जब काम ही कर लेंगे और आप ही नहीं रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हों, चाहे कहीं भी हों, रोड पर बाइक भी चला रहे हों, तो उसके लिए सेफ्टी फर्स्ट होता है। खुद को बचाइए, सेफ रखिए और अपने काम को सेफली कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।